हे गाइस वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 वर्सेस सिनिस्टर से। क्या होगा अगर सिनिस्टर 6 का मुकाबला बेन 10 के साथ हो बजाय स्पाइडरमैन के, क्योंकि स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आज की वीडियो वैसे ही अमेजिंग होने वाली है और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आपको हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए ताकि ऐसी वीडियो आप मिस ना कर सके। और इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो हमारा बेन 10 है वो ना ही अपने एलियन एक्स को यूज करेगा, ना ही बेबी को, ना ही किसी पावरफुल एलियन को, सिर्फ अपने नॉर्मल एलियंस को या फिर कहेंगे थोड़े से पावरफुल एलियंस का यूज कर सकता है। तो ये वीडियो वैसे ही बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिनिस्टर 6 से। तो जो सिनिस्टर 6 है स्पाइडरमैन के दुश्मनों की या फिर कहने की विलन्स की एक ऐसी मंडली है जिसमें 6 मेंबर्स है, और जो सिनिस्टर 6 है उसमें अब तक लगभग 20 से ज्यादा बार चेंजेस हो चुके हैं, यानी कि जो स्पाइडरमैन के विलन्स है वो सभी सिनिस्टर 6 का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 6 मेंबर्स ही सिनिस्टर 6 का हिस्सा रहते हैं। आज की इस वीडियो में जो 6 मेंबर्स यानी कि जो 6 स्पाइडरमैन के विलन सिनिस्टर 6 का हिस्सा है वो हमें मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में। तो मैंने उन्हीं विलन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। तो वो विलन्स है डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, रियो, लिजर्ड और गॉब्लिन। तो शुरुआत करने वाले हैं लिजर्ड से। तो जो लिजर्ड है उसका ओरिजिनल नेम है डॉक्टर कॉनर्स। जो डॉक्टर कॉनर्स है वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, और उसी बीच उन्हें एक फॉर्मूला मिलता है जिसकी हेल्प से वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लिजर्ड पे और उस डीएनए को अपने अंदर पुट कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर लिजर्ड की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद जो लिजर्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लिजर्ड है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर है, यहाँ तक कि जो लिजर्ड है वो अपने कटे हुए अंगों को रीजनरेट भी कर सकता है बहुत ही तेजी से, और तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लिजर्ड बहुत ही ज्यादा माहिर है। जो लिजर्ड है उसके पास काफी अच्छी स्पीड, एजिलिटी और स्टेमिना है, यहाँ तक कि जो लिजर्ड है वो वॉल क्राउलिंग भी कर सकता है, यानी कि दीवारों पे भी चढ़ सकता है। जो लिजर्ड है उसके पास टेलीपैथिक पावर है जिससे वो अपने आसपास के रेप्टाइल्स को कंट्रोल कर सकता है। जो लिजर्ड है उसकी दो वीकनेस है, सबसे पहली है अनप्रिडिक्टेबल मेंटल स्टेट, यानी कि उसकी जो दिमागी हालात है वो उसे हम काबू नहीं कर सकते और ना ही डॉक्टर कॉनर्स और लिजर्ड कर सकते हैं। दूसरी है सर्दी यानी कि ठंड। जो लिजर्ड है वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर लिजर्ड बेन 10 से सबसे पहले लड़ने आता है तो बेन 10 यहाँ पर आर्टिगुआना, बिग चिल जैसे एलियंस का यूज कर सकता है जो कि सर्दी के साथ तो मजे में खेलते हैं, और बिग चिल के पास तो इंटेंजिबिलिटी की भी पावर है, वो काफी आराम से लिजर्ड को ठिकाने लगा सकता है। तो बात करते हैं सैंडमैन की। तो जो सैंडमैन है उसका ओरिजिनल नेम है फ्लिंट मॉर्को। जो सैंडमैन है यानी कि फ्लिंट मॉर्को वो गलती से एक सैंड एक्सपेरिमेंटल एरिया में चला जाता है जहाँ पे सैंड के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो फ्लिंट मॉर्को है उसे सैंडमैन की पावर्स मिलती है। सैंडमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो जो सैंडमैन है वो अपने शेप को शिफ्ट कर सकता है साइज के हिसाब से भी और मास के हिसाब से भी, यानी कि अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। और तो जो सैंडमैन है वो उड़ भी सकता है अपने आप को डस्ट बनाकर, यानी कि जो सैंडस्टॉर्म होता है उसके थ्रू वो फ्लाई भी कर सकता है। उसके पास काफी अच्छी स्पीड है, स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है। और अगर बात करें वीकनेस की तो इसकी दो ही वीकनेस है, पहली है पानी यानी कि वाटर, और दूसरी है ज्यादा हीट, ओवर हीट। और अगर सैंडमैन का बेन 10 से मुकाबला होता है तो बेन 10 यहाँ पर हीट ब्लास्ट जैसे एलियंस को यूज कर सकता है, क्योंकि जो हीट ब्लास्ट है वो पायरोकाइनेसिस कर सकता है यानी कि हीट एंड फायर को कंट्रोल कर सकता है। और आपको पता ही होगा अगर हम सैंड को 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जो सैंड है वो पिघल कर ग्लास बन जाता है, और जो हीट ब्लास्ट है उसके लिए 1700 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कर पाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर सैंडमैन को बड़े आराम से कांच बना सकता है और उसे डिफीट कर सकता है। तो अब बात करते हैं मिस्टीरियो के बारे में। तो जो मिस्टीरियो है उसका असली नाम है क्विंटन बेक। और आपको एक और बात बता दूं कि जो मिस्टीरियो है वो टोनी स्टार्क के अंडर काम करता था, लेकिन टोनी स्टार्क ने उसे प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को यूज करके मिस्टीरियो बन गया। तो जो मिस्टीरियो है उसके पास काफी ऑसम पावर है। जो मिस्टीरियो है वो इल्यूजन को प्रोजेक्ट कर सकता है, और ये इल्यूजन काफी ज्यादा असली लगते हैं जिससे मिस्टीरियो ने कई बार स्पाइडरमैन को चोट पहुंचाई है। और आपने अगर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखा ही है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मिस्टीरियो इतना ज्यादा पावरफुल है। उसके पास उसके ड्रोन्स है जो कि काफी खतरनाक इल्यूजंस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस हालात में प्रोजेक्शन से बचकर मिस्टीरियो से लड़ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। मिस्टीरियो की वीकनेस की बात करें तो उसकी टेक्नोलॉजी ही उसकी वीकनेस है। अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को टेक डाउन कर देंगे तो आप मिस्टीरियो को काफी आराम से डिफीट कर सकते हैं। और अगर मिस्टीरियो और बेन 10 का सामना होता है तो जो बेन 10 है वो एको का यूज कर सकता है, क्योंकि जो मिस्टीरियो है उसके पास काफी सारे ड्रोन है जो कि प्रोल्यूजन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उन प्रोजेक्शन से निपटने के लिए बेन 10 का एको साउंड फ्रिक्वेंसीज का यूज कर सकता है, जिससे वो ड्रोन्स को तो काफी आराम से डिफीट कर देगा, और ऊपर से उसकी सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर काफी जल्दी ये काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रो की। तो जो इलेक्ट्रो है उसका ओरिजिनल नेम मैक्समेल डीलो है। जो इलेक्ट्रो है यानी कि मैक्समेल डीलो वो एक इंजीनियर था, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था ऑस्कोप इंडस्ट्रीज में, जहां पर वो एक सर्किट को ठीक करते हुए एक एक्सीडेंट के
सेतु ईल से भरी हुई एक टैंक में गिर गया, जिसके बाद ईल ने उसके ऊपर हमला किया और उसे इलेक्ट्रिसिटी की पावर मिल गई। जो इलेक्ट्रो है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट और जनरेट कर पाने की पावर है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रो है वो फ्लाई भी कर सकता है और तो जो इलेक्ट्रो है वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट, और ये काम वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ही कर सकता है। इलेक्ट्रो के पास इलेक्ट्रिक स्पीड है, यानी कि आप समझ गए होंगे जो कितना ज्यादा तेज होगा। उसके पास काफी अच्छा एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है और स्टेमिना भी है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उन्हें प्रोजेक्ट भी कर सकता है। इलेक्ट्रो की वीकनेस की बात करें तो इसकी दो ही वीकनेस है। पहली वीकनेस तो है वाटर, यानी कि वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी में छिड़क देंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, सर्किट तो उड़ी जाएगा ना। और दूसरी वीकनेस है ओवरचार्ज, अगर आप इलेक्ट्रो को ओवरचार्ज कर देंगे तो वो फट जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। और अगर रही बात इलेक्ट्रो को हराने की तो बेन टेंसनर के पास ऐसे बहुत से एलियन है जो इलेक्ट्रो को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक और क्रोमास्टोन उनमें बेस्ट रहेंगे, क्योंकि जो फीडबैक है वो जितना चाहे उतना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, लेजर हो या कोई बीम हो। और क्रोमास्टोन भी सेम चीजें करता है, लेकिन क्रोमास्टोन यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और जनरेट कर सकता है, लेकिन फीडबैक जितना चाहे उतना एब्जॉर्ब भी कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है। यहाँ पर फीडबैक इलेक्ट्रो को पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसे ओवरचार्ज करके कोलैप्स भी करवा सकता है। बात करते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की। तो जो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस है वो एक एटॉमिक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मैकेनिकल आर्म्स को डिजाइन किया जो उनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो गया, लेकिन वो मैकेनिकल आर्म्स डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के बॉडी से चिपक गए, यानी कि उनसे जुड़ गए, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें उनकी पावर्स मिली। जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उनके पास इनहेंस स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी है, और तो जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, वो एक ग्रेट इन्वेंटर तो है ही है, साथ ही साथ एक ग्रेट साइंस इंजीनियर भी है। जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो अपने मैकेनिकल आर्म्स के थ्रू वॉल क्राउलिंग भी कर सकते हैं, और तो और वो अपने मैकेनिकल आर्म्स को शील्ड भी बना सकते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर बेन टेंसन और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की फाइट होती है तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उनकी मेन पावर उनके मैकेनिकल आर्म्स ही है, अगर आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो डॉक्टर ऑक्टोपस अल्टीमेटली हार ही जाएंगे। तो यहां पर जो बेन टेंसन है वो अपग्रेड का यूज कर सकता है, और आप लोगों को पता ही होगा कि अपग्रेड किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। यहां पर जो अपग्रेड है वो मैकेनिकल आर्म्स के साथ मर्ज होकर उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, और इस तरह से जो बेन टेंसन है वो डॉक्टर ऑक्टोपस को भी हरा सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन की। तो जो ग्रीन गॉब्लिन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और काफी ज्यादा इंसेन कैरेक्टर भी है। जो ग्रीन गॉब्लिन है उसके पास काफी अच्छी इनहेंस इंटेलिजेंस है और उसके पास काफी अच्छा हीलिंग फैक्टर भी है, जो किसी आम इंसान के मुकाबले काफी तेजी से काम करता है। जो ग्रीन गॉब्लिन है उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से वो पावरफुल बनता है, लाइक उसके ग्लाइडर, उसका पंपकिन बॉल, और तो जो ग्रीन गॉब्लिन है उसके पास काफी अच्छा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी है। जो ग्रीन गॉब्लिन है वो 9 टन तक की चीजों को उठा सकता है बड़े आराम से। जो ग्रीन गॉब्लिन है वो काफी अच्छी एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस रखता है, यहाँ तक कि जो ग्रीन गॉब्लिन है वो अपने डैमेज टिश्यूज को काफी जल्दी हील करवा सकता है और कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप ग्रीन गॉब्लिन को बस इतनी सी बातों से हरा सको। जो ग्रीन गॉब्लिन है वो लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, और ऐसे में फाइट की ड्यूरिंग आपको ग्रीन गॉब्लिन की बातों को इग्नोर करना सीखना होगा, नहीं तो ग्रीन गॉब्लिन आपको काफी आराम से डिफीट कर सकता है। और ग्रीन गॉब्लिन को हराने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पाइडर मंकी को चूज किया है, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है बेन टेंसन का कौन सा एलियन जो नॉर्मल है वो गॉब्लिन का सामना कर सकता है। मेरे हिसाब से स्पाइडर मंकी ये काम बड़े आराम से कर देगा। और अगर सिनिस्टर सिक्स यहाँ पर एक साथ बेन टेंसन पे हमला करते हैं तो बेन टेंसन अपने पावरफुल एलियंस को यूज कर सकता है, लाइक ह्यूमंगस सॉर्ड, वे बिग एटॉमिक्स एटसेट्रा, और एक ही पल में बेन टेंसन सबको ढेर कर सकता है। लेकिन अगर एक एक करके आते हैं तो भी बेन टेंसन उन्हें बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि इस कैरेक्टर को कोई और एलियन डिफीट कर सकता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को देखता हूं, पढ़ता हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।